हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। तो सुबह के बज रहे हैं 10:45 AM और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर के बेडरूम से। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने और देखते हैं पूरे वीडियो में क्या क्या करने को मिलता है। इट्स अगेन अ फुल डे ब्लॉग। सबसे पहला काम यह है कि रात में ये चद्दर यूज़ की है तो इसको फोल्ड करना है और ये चद्दर जो इधर उधर खिसकी है इसको प्रॉपर सॉर्टेड करना है और ये जो लैपटॉप है बैग में डाल के बैग को अलमारी में डालनी है। थोड़ा बहुत मैस है, जैसे मैं छुपाऊंगा नहीं तो आपको दिखा देता हूँ, वो वाला अभी भी क्लियर नहीं हुआ है जिसको आज या कल में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। या संडे को तो पक्का वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने। किचन में हम लोग पहुँच चुके हैं और इसमें है ये लौकी की सब्ज़ी। ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि मैं दूध पीता नहीं हूँ। और चाय एकदम फिनिश है क्योंकि चाय थी नहीं तो अब मुझे अपने लिए चाय खुद ही बनाना पड़ेगा। और डाल दिया पानी में चीनी, चाय पत्ती और ये इलायची। वैसे तो मैं इलायची डालने नहीं वाला था लेकिन मिल गई तो मैंने डाल दिया। अब इसका वेट करते हैं खोलने का। वैसे मैं बहुत ज़्यादा चाय पत्ती डालता नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्लैक टी पीता हूँ और बाद में वो कड़वाने लगती है और ये किसी ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया। अभी मम्मी बहुत चिल्लाएंगे, मैंने नहीं किया है। चल गई हमारी चाय और तब तक मैंने निकाल लिया अपना दो रोटी और सब्जी। अब इसको इसमें डालना मुश्किल काम है तो ये करेंगे। अच्छा, ये इलायची ऐसे ही डाल दिया? आए, आए। क्या मुझे ऐसे ही पसंद है तो ऐसे डाल दिया मैंने। बस बस ये आ गया अपना चाय भी और इसमें रखते हैं। और प्लेट मुझे मिली नहीं तो मैंने बड़ी थाली ही निकाल ली। तो मैंने नाश्ता कर लिया है और रूबी को हम लोगों ने लगा दिया है बाहर क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं एक प्यारी सी रील शूट करने। तो जो हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची है जो अभी अंदर तैयार हो रही है, ये कचड़ा साफ़ कर रहा है और यहाँ लग गई रूबी और हम उसके साथ जा रहे हैं एक प्यारी सी रील शूट करने। तो मैं किस टाइप की रील शूट करने वाला हूँ ये आपको बता देता हूँ। तो ये है पाइप, ठीक है। इसको वो छोटी बच्ची यहाँ पकड़ के खड़ी रहेगी और रूबी को थोड़ी सी धुलेगी तो ये एक प्यारा सा रील बन जाएगा, हो सकता है वायरल हो जाए। तो ये मैंने आइडिया दे दिया। अभी हम लोग पाइप फैलाते हैं और कनेक्शन चालू करते हैं पानी का और उसको थोड़ा बहुत सिखाते हैं कि कैसे क्या करना है। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पे रील देख लेना कि कैसी बनी। अब वैसे तो रील एकदम प्यारी सी और छोटी सी बनाना है लेकिन ये पाइप में इतने सारे गांठ लगे हुए हैं कि हम लोग की खोलने में हालत ख़राब हो गई है और आधे गांठ तो मैंने खोल दिए हैं। ये देखो जगह जगह पर उलझा पड़ा है पाइप, कैसे सुलझाया जाए इसको। जब तक छोटी रेडी हो रही है तब तक ये सब कर लेते हैं लोग। फाइनली थोड़ी देर मेहनत करने के बाद हमने ये पाइप को सुलझा लिया है और वो वहाँ पानी डाल रहा है क्योंकि अभी यहाँ धूप होगी और हवा होगा तो ये सारा मिट्टी घर के अंदर आएगा। तो मैंने पानी वहाँ डालने को बोला, तब तक हम छोटी को रेडी कराते हैं फटाफट। अभी वो रेडी होके आ रही है और अब मैं कैमरा रील वाले एंगल पर लगा लेता हूँ कि वरना छोटी बच्ची है एक ही बार एक्ट वैक्ट कर पाएगी, वो एक्ट भी नहीं कर पाएगी। हम लोग को एडिटिंग में वो सब सही करना पड़ेगा स्लोमो वगैरह निकाल के। तो अभी मैं रील शूट करके आप लोग को मिलता हूँ। पहनो पहनो पहनो, चलो पहनो जल्दी पहनो, ये लो। हाँ लो लो लो, नहीं लोगी? ले लो, घूमने चलेंगे, पकड़ो, चले घूमने, लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसी के पास जाएगी, मेरे पास नहीं आएगी। आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो आओ। यार हम लोग का पोपट हो रहा है, वो पाइप ही नहीं पकड़ रही है। एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। तो गाइस हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन रील हम शायद नहीं बना पाए हैं। अब वो तो एडिटिंग के टाइम पता पड़ेगा क्योंकि मैंने एक तरीके से और ट्राई करा है, अगर वो वाला भी सक्सेसफुल हो जाता है तब भी वो बड़ी प्यारी रील बनेगी। तो अभी ये वाला काम हो गया है एंड अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं शांति से लेटता हूँ एंड जब पेट का दर्द थोड़ा सा आराम होगा तब मुझे एक और काम है कि मुझे वोडाफोन के सेंटर जाना है क्योंकि चाचू हमारे रहते हैं आउट ऑफ इंडिया और उनका एक सिम हो गया है बंद जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, अगर मेरे नाम पर निकल जाता है तो हम निकलवा लेंगे वरना फिर जो भी होगा उनको बता देंगे। तो अभी तो मुझे रेस्ट करना है बस, बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है। उतनी देर से मैं लेटे लेटे ये एडिटिंग कर ही रहा था कि लाइट चली गई और एडिटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। मतलब अभी तक जितना शूट किया था उतना मैंने एडिट कर लिया है और तब तक लाइट चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर जाके वो सिम वगैरह वाला काम कर लेते हैं और पेट दर्द का ले लेते हैं थोड़ा सा दवा। तो फिर निकल रहे हैं घर से, आपको मिलते हैं डायरेक्ट बाहर।
तो इस गोप्रो को मैंने लगाया था चार्ज में और ये खाली अभी 41% ही चार्ज हो पाया है, तो हम लोग मोटो ब्लॉग तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको बंद कर देते हैं, जब लाइट आएगी चार्ज करेंगे, उसके बाद मोटो ब्लॉग करेंगे, तो अभी ऐसे ही चलते हैं। और ये बस मैं उठ के रूम का दरवाज़ा खोलने जा ही रहा था कि लाइट आ गई, लेकिन अब बाहर का काम निपटा ही लेते हैं, मतलब जो भी बाहर करना है। तो बाहर है बहुत ज़्यादा धूप, तो बाहर जाने से पहले हम पियेंगे थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। मतलब ये बॉटल मैंने ही अभी ख़त्म करी हुई है, और अभी सब लोगों ने चाय वाय पिया है तो ग्लास है नहीं, तो हम डायरेक्ट बॉटल से ही पानी पी लेते हैं और फिर निकलते हैं, अपना काम वाम करते हैं। हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर, तो जब भी बाहर निकलो थोड़ा सा तो पानी पी के ही निकलो। रूम में दोबारा इसलिए आया ताकि मैं अपने मैकबुक को भी चार्जिंग पर लगा दूँ और कैमरे को भी चार्जिंग पर लगा दिया है, तो जब तक आएंगे थोड़ा तो चार्ज हो ही जाएगा। अपनी रूबी अपने पुराने मोहल्ले अपने दोस्त के यहाँ खड़ी कर दी, और यहाँ से हम इनकी मोहतरमा जुपिटर पे जाएंगे, और हम इसी से अब जाएंगे आगे क्योंकि रूबी मैडम करेंगी आराम। और ये इनके BBA की किताब है मेरे पास, क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, ये मुझे दिखा रहा है ये मैथ्स बहुत हार्ड है, सिर्फ मैट्रिक्स और सेट है इनको हार्ड लग रहा है। साथ निकलें और वो सिर्फ आपका काम कराए तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि मेरे दोस्त तो ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त आप मेरे काम के साथ साथ अपना काम भी देखते हैं, और इन्होंने बताया कि चलो तुम्हारे काम से चलते हैं, और देखो कहाँ ले आए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आए हमको। सिम के लिए एयरटेल होके आ चुके हैं, क्योंकि चाचा ने बोला था कि एयरटेल में है, लेकिन एयरटेल में वो सिम है नहीं, अब वो बोल रहे हैं वोडाफोन में मैंने पोर्ट कराया था, जबकि वो सिम है एयरसेल का, और एयरसेल की कंपनी तो जा चुकी है, तो अब देखते हैं वोडाफोन में भी एक बार चेक करा ही लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। तो हम आए हैं यहाँ जूस पीने, आ गया हमारा मिक्स जूस, जूस पी लिया है, अब जा रहे हैं वोडाफोन का स्टोर ढूंढने, जो कि हम लोग को खुद ही नहीं पता कितनी दूर है और कहाँ है, गूगल मैप के सहारे जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं VI मिनी स्टोर, जो कि हाईवे के किनारे भैया, और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं वो, दरवाजा वरवाजा बंद है, देखो चाबी लगी अंदर लगी है। देखो प्रॉब्लम वाली बात ये है ना कि सिम पहले था एयरसेल का, फिर उसको उन्होंने कन्वर्ट कराया है वोडाफोन में, अब वोडाफोन खुद ही हो चुका है VI और एयरसेल हो चुका है गायब, तो अब वो सीरीज़ का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी ट्राई करते हैं, मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और नहीं मिला तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो देख रहे हो भैया टपरी में अकेले अकेले खा रहे हैं, तब तक ये VI स्टोर का कोई आके ताला खोलता है तब तक हम खाते हैं चिप्स, और लव भाई थैंक यू, और ये थम्सअप, अभी अभी हेल्दी जूस पिया है, अब पिला रहे हैं मुझे थम्सअप, गजब दोस्ती। लेस का कोई नया चिप्स आया है, जिस भाई की दुकान से हमने ये थम्सअप और वो लेस खरीदा, उन्होंने बताया कि बगल में इनका घर है ये वाला गेट, तो मैंने उस पर नॉक करा, तो वो बोल रहे हैं कि 15 से 20 मिनट लगेगा, वो खाना खा रहा है, तो अब 15 से 20 मिनट हम लोग यहाँ बैठे हैं, तब तक एक थम्सअप और पी जाएगी, लेकिन नहीं मेरा मन नहीं है, उसी को जो करना होगा करे, मैं अभी इंतज़ार ही कर सकता हूँ और क्या करूँ, मजबूरी है, 15-20 मिनट रुकना था, तो मैंने सोचा कि ये ट्राई कर ही लिया जाए, और आपको बताया ये लगता कैसा है। ये हमने खोला और खाया, ये तो मुझे किसी लोकल चिप्स से भी वाहियात लग रहा है, मत लेना कभी मत लेना भाई, ये चिप्स कभी नहीं खाना है, बेकार सा लग रहा है एकदम घटिया सा, तो खा के देखो बहुत बेकार भाई, इससे बढ़िया तो पॉपकॉर्न लगता है।
तुम ही खाओ इसको। अब मेरी थम्स अप इतनी सी बची है, मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। तब तक भैया खाना खा के निकल आए। इतनी देर इंतज़ार करने के बाद भी बात हो गई और हम बहुत निराश होके जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम हो नहीं पाया है। एक बार घर जाके पूरा डिटेल में बताता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या और क्यों नहीं मिल पा रहा वो नंबर। ये इनकी मोहतरमा यहाँ खड़ी कर दी गई, अब हम अपनी रूबी को लेके जा रहे हैं। जी मैं घर तो आ गया, लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला छोटे ने, वैसे ही बोल रहा है कि छोटी गई थी आपके रूम में और कैमरे में कुछ कर दिया। तो कैमरा क्योंकि हम लोग चार्ज पे लगा के गए हुए थे, तो ये शायद उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और ये चार्ज हुआ ही नहीं। और हीट इतना ज़्यादा हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा हीट हो गया। तो अभी मैंने उसको चार्जिंग से निकाल दिया है। और बात करते हैं कि हम गए थे तो वहाँ हुआ क्या। बात यह है कि हमारे चाचा जी को करना है अपने आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड लिंक, और हुआ ये है कि उनका जो आधार कार्ड पे नंबर लिंक था वो बहुत पहले बंद हो गया, जो कि एयरसेल का था। अब एयरसेल की कंपनी बंद हो चुकी है, उन्होंने नंबर लेकिन वोडाफोन में पोर्ट करा लिया था। अब वोडाफोन से भी बंद हुए उसको काफ़ी महीने हो चुके हैं, तो वोडाफोन वाले कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 45 डेज तक ही रहता है हमारा नंबर, उसके बाद वो उसी कंपनी को वापस हो जाता है। मतलब कि अभी वो नंबर एयरसेल के कंपनी से ही वापस लिया जा सकता है, लेकिन एयरसेल की कंपनी तो भाई नहीं, तो अब वो नंबर एकदम कम्प्लीटली लॉस्ट है हमारे लिए और अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये मैं चाचा को भी कॉल करके बता दूंगा। और देखो यहाँ शिफ्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन फ़ैन गंदे हो गए, वही वो सब धूल उड़ के आती है तो उससे गंदा हो जाता है, तो इसको भी साफ़ करना है टाइम निकाल के। संडे को पूरा रूम एकदम साफ और प्रॉपर तरीके से शिफ्ट कर लेंगे। तो बस अभी अभी मैं अपनी एडिटिंग ख़त्म करके उठा था और मैंने देखा कि अपनी वीडियो लगभग 11 मिनट क्रॉस कर चुकी है, तो इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अब डेली ब्लॉग बनाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एंड बाकी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। मम्मी पापा, पापा से थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पापा का भी डे शिफ्ट चल रहा है, बाकी एक होम टूर का भी अभी वीडियो आना है। तो अभी तो अब तो बहुत सारी वीडियोस आनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आपको अभी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा तो फॉलो करें जाके फटाफट, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।